them one by one. Poor fire come with the poor fire come with the poor fire, poor fire, poor fire, poor fire. Excuse me. गाइस मैंने पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था ट्रेन में ब्राइडल मेकअप करके, दूसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था बस में ब्राइडल मेकअप करके, तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था मेट्रो में ब्राइडल मेकअप करके, आज मैं चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाली हूँ। गेस करो कहाँ पे मेकअप करूंगी। आज मैं ब्राइडल मेकअप करने जा रही हूँ उड़ के फ्लाइट में। आपको क्या लगता है मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्या मुझे कोई रोक लेगा या फिर मुझे लोग प्लेन से नीचे फेंक देंगे? देखने के लिए वीडियो को देख लो। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, बिल्कुल मुफ्त 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 है। मैं चली उड़ने। गाइज मैं फ्लाइट में मेकअप तो करूंगी, बट मेकअप करने से पहले स्किन अच्छा होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं तो मेरी फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे साथ हमेशा कैरी करती हूँ एंड अभी भी कैरी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कैरी करती हूँ सिंपल मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। गाइज पॉल्यूशन, डिफरेंट वेदर, डिफरेंट वाटर की वजह से स्किन पे काफी इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए मैं हमेशा इस फेस वॉश को कैरी करती हूँ एंड रिलीजियसली यूज करती हूँ। ये 100% सोप फ्री है, स्किन के लिए बहुत काइंड है, मतलब इसके अंदर कोई भी परफ्यूम या कलर या हार्श केमिकल्स कुछ भी यूज नहीं किया गया है, इवन कोई भी अल्कोहल मिनरल ऑयल्स कुछ भी नहीं यूज किया गया है, सो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंड मैं तो हमेशा मेरे बैग में सिंपल माइसलर क्लेंजिंग वाइप्स रखती हूँ। गाइस मैं जब भी फेस वॉश नहीं यूज कर पाती हूँ ना, बाहर रहती हूँ, तो बहुत ही इजीली ये क्लेंजिंग वाइप्स यूज कर सकती हूँ। और ये भी गाइस बिल्कुल काइंड टू स्किन है, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स इसमें भी नहीं है। एंड मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज करती हूँ सिंपल हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर। सिंपल हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर के अंदर विटामिन ई भी है, जो हमारे स्किन को ना बहुत सॉफ्ट स्मूथ एंड हेल्दी बना देता है। साथ ही में विटामिन B5, अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस, जो हमारे स्किन के लिए बेहद अच्छा है। और ये ना पूरी दिन मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है। सो गाइस मैं जब भी कहीं पे जाती हूँ सिंपल के इन प्रोडक्ट से मेरा स्किन केयर तो बहुत ज्यादा सिंपल बन जाता है। सो मैंने इन प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जरूर चेकआउट करना। सो गाइस अभी फाइनली मैं जा रही हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड करने, तो चलो यार चलते हैं। सो ये रहा मेरा फ्लाइट गाइस, एरोप्लेन। तो अभी मैं उड़ उड़ के मेकअप करूंगी ब्राइडल वाला। तो करना। तो फाइनली मैं फ्लाइट के अंदर जा रही हूँ ये हिस्टोरिकल काम करने के लिए गाइस, और यहाँ पे फ्लाइट के अंदर आके मैं सेट हो गई और फेस में थप्पड़ मारी जा रही हूँ, वो भी अपने फेस में। यार अंकल जी सोच रहे कि ये लड़की पागल है, अपने फेस पे कौन थप्पड़ मारता है यार। और यहाँ पे देखो गाइस मैं ना अंडर आई पैचेस लगा रही हूँ, और वो दोनों अंकल सोच रहे हैं कि यार ये काना काना आंखों के नीचे लगा क्या रही है। कोई भी मैं इन सब बुरी बातों में ध्यान देती नहीं हूँ। देखो यार मैं यहाँ पे बंदर जैसा शिंपांजी जैसा मुंह बना के आंखों के नीचे ये काला काला पट्टी लगा रही हूँ। ये भैया तो देख के यार शॉक में चले गए, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अभी तक तो फिर भी ठीक था गाइस, मैंने लगा तो लिया ये काला काला पैचेस, बट इसके बाद मैंने अपने हाथ को ऐसे फर 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 करके फैन कर रही हूँ मेरे फेस को सुखाने के लिए, और मेरी चूड़ियों से खन खन आवाजें आ रही है। और ये भैया सोच रहे कि ये लड़की यार कौन सी लड़की से पाला पड़ गया, मैं मेरी लड़की को लेके यहाँ से चला जाता हूँ, मैं उड़ती हुई प्लेन से कूद जाता हूँ। ये पागल इंसान के साथ रहने से तो प्लेन से कूद जाना भी अच्छा है। तो फाइनली इन भैया के बारे में सोच के मैंने वो काला पैच उतार ही लिया गाइस, और अभी मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन के साथ साथ ही कंसीलर लगाऊंगी गाइस, क्योंकि प्लेन में ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करना तो बनता है। और ये जो पीछे में मेरे जो पीछे दीदी है ना, ये तो यार कैसे कैसे आंखें बना रही थी मुझे देख के, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने अच्छी से जंगली बन चुकी हूँ, ये भैया भी सोच रहे कि ये जंगली यहाँ पे कर क्या रही है, बट कोई बात नहीं गाइस, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे, मैं तो यहाँ पे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद देखना यार मेरा मुंह तो ये जो एयरप्लेन से बाहर वो बादल दिखती है ना व्हाइट व्हाइट कलर की, बिल्कुल बादल जितनी व्हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे पीछे ना जो दीदी थी वो कभी कभी मुझे देख रही थी, और कभी कभी उनके पास एक छोटा सा क्यूट सा बेबी था तो उसको भी देख रही थी। संभालना पड़ता है ना, नहीं तो दीदी मुझे ही देखती, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद गालों में लगा लिया लिपस्टिक। ओह माय गॉड, लिपस्टिक कौन लगाता है गालों में, लोग यही सोच रहे होंगे जो भी मुझे देख रहा था।
बट कोई बात नहीं गाइस, मैं तो लगाती हूँ। और यहाँ पे यार इतना मुश्किल था, मैं ना देखो ये जो मेकअप का पिटारा है ना, इसमें से सारा मेकअप बाहर निकाल रही थी, इतना मेरे को मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे ना सारा का सारा काजल, लिप लाइनर, ब्रशेस, सब कुछ मैंने ऐसे रबर बैंड में लगा के रखा था। बट कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी सी ब्रश से घिस घिस के पोछा लगा लगा के ब्लश को ब्लेंड कर दूंगी। और इसके बाद मैं लगाऊंगी पाउडर और कर लूंगी थोड़ा सा बेकिंग। पाउडर लगाया मैंने, ऐसा लग रहा है मैदा लगा लिया यार, आटा मैदा ऐसा ही लग रहा है। बट कोई बात नहीं गाइस, ब्लेंड करने के बाद देखो यार चेहरा बिल्कुल सॉलिड हो गया। और यहाँ पे देखो, मैं ध्यान से मेरी आंखों को देख रही थी और दीदी ना मुझे ध्यान से देख रही थी, तो ध्यान से मुझे देखते देखते उनकी आंखों में भी कुछ हो गया। ओ भाई साहब, ये तो मैजिक हो गया गाइस। बट कोई बात नहीं, अभी हम करने वाले हैं आई मेकअप। तो मैंने यहाँ पे ना पिंक कलर का आई शैडो ले लिया है और पिंक कलर का आई शैडो मैं फुल आई में लगा लूंगी अच्छे से, बिल्कुल पैक करके, क्योंकि ब्राइडल वाला मेकअप है, दुल्हन बनने वाली हूँ मैं। और थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का जो आई शैडो है मैट वाला, उसको लेके मैं क्रीज को भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। और यहाँ पे मैं ना आई लाइनर लगाने वाली हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि यार स्लाइड के अंदर आई लाइनर लगाना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी मेरे सामने तो ये कैमरा भी है ना, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बट फिर भी मैंने कोशिश करी और काफी अच्छा वाला आई लाइनर लगाया। गाइस बताओ मेरा आई लाइनर किस किस को पसंद आया। तो आई लाइनर लगाने के बाद मैं आईब्राउज करने वाली हूँ, और वो अंकल देखो फिर से मुझे देख रहे थे। मेरी आईब्राउज को मेकअप करने के बाद बिल्कुल सफेद सफेद हो गया था गाइस। एक्सक्यूज मी, यू वांट वेजिटेरियन और नॉन वेज? गाइस यहाँ पर मैं मेकअप कर तो रही थी, पर अचानक यार ये सुंदर खूबसूरत वाली एयर होस्टेस दीदी आके मुझे खाना दे के चली गई। और यार मैं आपके साथ मेकअप शेयर करूँ, खाना ना शेयर करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता यार। यहाँ पे ये क्या चिट्ठी मिला है क्या मुझे कोई? तो एनवेलप खोलते ही ये तो चाकू निकला गाइस। शायद एरोप्लेन वाले में मुझे बोल रहे थे यार एरोप्लेन में मेकअप करने से अच्छा तो तुम। और यहाँ पे ना एक क्या है ये यार, ये स्टिक मिला मुझे, स्टिक से मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे गाइस फाइनली मैंने खाना को अनपैक कर दिया है, और ये रहा मेरा बन, और साथ में हमको बटर भी मिला था। तो यहाँ पे मैंने चाकू को लगा लिया अच्छे से ब्रेड में, और ब्रेड को खा रही हूँ। ये ब्रेड तो काफी अच्छा था गाइस, बट इसके बाद में जो भी मैं खाऊंगी ना उनमें से कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। ये सॉसेज फिर भी ठीक ठीक था, ओके ओके। और यहाँ पे मैं अंडा ऑमलेट खा के ना अच्छा रिएक्शन देने की कोशिश कर रही हूँ, बट देखो यार मेरे से झूठ बोला नहीं जाता, तो यहाँ पे मैं एक्टिंग कर नहीं पाई, क्या करूं। बट कोई बात नहीं गाइस, मेकअप पे ध्यान देते हैं, खाना वाना खा लिया हमने, तो अभी फिर से हम ब्लश लगाएंगे। ठीक है, लिपस्टिक के ऊपर हम लगाएंगे पिंकी पिंकी ब्लश, ताकि मैं बिल्कुल पिंकी दिखूं। और यहाँ पे मैं पिंकी ब्लश लगा तो रही हूँ, और गाइस नाक मेरा जो है ना, वो जो कप दिख रहा है आपको बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट ज़ेरॉक्स कॉपी है, तो नाक को भी थोड़ा सा कॉन्टूर कर लिया। और यहाँ पे मैं लिप लाइनर लगा रही थी, मुझे कॉफी भी सर्व कर दिया, मैंने बहुत अच्छे से पिया, जो कि बिल्कुल घटिया निकला यार, इससे तो जहर पिला देते मुझे। ये जार ले लो। पता नहीं यार, मैं मेकअप कर रही थी फ्लाइट में बैठ के, इसलिए वो लोग इतना गुस्सा हो गए थे क्या कि मुझे इतना कड़वा वाला कॉफी दे दिया, पता नहीं क्यों दिया। बट मैं तो कुछ भी चीजों में ध्यान नहीं देती हूँ गाइस, सिर्फ मेकअप में ध्यान है मेरा, तो इसीलिए अच्छे से ना मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। और पीछे देखो ये जो हैंडसम वाले पायलट आ गए थे यार, पता नहीं क्या मुझे देखने आए थे, हो भी सकता है गाइस, मुझे तो नहीं पता, शायद वही मेरा होने वाला दूल्हा होगा। पता नहीं वो दो बार आए थे गाइस, पता नहीं क्यों। कभी भी कोई फ्लाइट में आता है क्या पायलट? पता नहीं, हमारी फ्लाइट में तो आ गया था, बट इसके बाद इतना ज्यादा बदबू आ रहा था। और यहाँ पे ना मुझे रंजना मेरे कानों में बोल रही है कि यार यहाँ पे ना पीछे टॉयलेट है, तो इसीलिए टॉयलेट से बदबू आ रही है। और हाँ जी गाइस, हर कोई टॉयलेट जा रहा था तभी, और टॉयलेट जाते हुए ना हर कोई मुझे ही देखते हुए जा रहा था, क्या करूँ यार, इतना ज्यादा बदबू आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं ट्रेन से कूद जाऊँ। बट ना मतलब अच्छा भी लग रहा था कि मैं अच्छी लग रही हूँ, हर कोई मुझे देखते हुए जा रहा था, देखो अंकल लोग भी कैसे देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने फिर से मेकअप पे ध्यान दिया। तो अभी मैं ना बिंदी लगा रही हूँ, जो कि लगने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना। बट फिर भी रंजना ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, और कोशिश करके उसने बिंदी लगा तो दिया। तो फिर हमारा सिर्फ आई लैशेज ही बाकी है गाइस मेकअप में। तो ये जो अंकल है ना, इतना प्यार से देख रहे थे, क्या बताऊं
बट ये जो पीछे जो मुच्छर अंकल है, ओह माय गॉड, इतना ज्यादा गुस्से से देखेगा ना वो। अब बस देखना वो अंकल मुझे ऐसे देख रहे हैं इतना गुस्से से कि इनका बस चले तो, या तो ये मुझे प्लेन से धक्का मार के निकाल दे या ये खुद निकल जाए। इतना गुस्से से कौन देखता है यार। बट ये पीछे वाले अंकल तो काफी स्वीट थे ना, तो इसीलिए मैं तो मेकअप करूंगी। गाइस देखो कितना अच्छे से मैंने लगा लिया फॉल्स आईलैशेस। और ये लोग सोच रहे थे कि यार पलके भी नकली लगाई जाती है। ये देखो ये जो ब्लू शर्ट वाले अंकल है ना, ये ना हाथ के पीछे से ना अच्छे से देखने की कोशिश तो कर रहे थे, बट थोड़ा डर रहे थे कैमरा के लिए। बट कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छी तरह से मेकअप कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं सिर्फ ब्राइडल वाली ज्वेलरी पहनूंगी। तो ये देखो इतने सारे लोग थे, फिर भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं हिम्मत दिखाऊंगी और ब्राइडल ज्वेलरी पहन लूंगी। और ये देखो फिर से वो अंकल तो देख रहे हैं मुझे, वो सोच रहे थे कि ये पागल के साथ पारा पड़ गया है मेरा, पागल के पास में मेरा सीट पड़ गया है। बट अभी वो देख रहे हैं कि यार ये तो पागल ने बहुत अच्छा मेकअप कर लिया है, अच्छी लग रही है, शादी वादी करने जा रही है शायद। तो यहाँ पे ना गाइस मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा गया था, तो मैं अभी थोड़ा सा हेयर स्टाइल करूंगी। हर कोई देख रहा है देखो कोने कोने से। तो अभी हेयर स्टाइल करते हुए मैं सोच रही हूँ कैसा हेयर स्टाइल करूँ, बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सिंपल रख लेते हैं, क्योंकि फ्लाइट में थोड़ी मैं बहुत सुंदर कोई हेयर स्टाइल कर सकती हूँ गाइस। तो थोड़ा सा मैंने लक्स निकाला मेरे बालों के, लट्टे जुल्फे निकाले मैंने, और फिर पीछे में ना एक बन बना दिया, बहुत ही मेसी वाला बन बनाया था, पर ठीक है चलता है गाइस। फ्लाइट में ब्राइडल मेकअप किया यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मेसी वाला मैंने बन बना लिया, जो बाल मेरे अंदर जा नहीं रहे थे, बट फिर भी मैंने घुसेड़ दिया बाल किसी भी तरह से। और ये देखो पीछे वाले भैया ना बहुत ज्यादा गुस्से में फिर मुझे लग रहा है, क्योंकि जब भी उन्होंने आंखें फेरा यार, आईज रोल करते हुए आंखें फेरा, मतलब इतनी बुरी हूँ क्या मैं। ये तो अंकल ही मेरे पास वाले अंकल ही सही है, कितना प्यार से देख रहे थे। तो अभी मैं लगा लूंगी मांग टीका। ओह माय गॉड, आ जाएगा इस दुल्हन वाला वाइब, दुल्हन वाला लुक अभी आ रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं इयररिंग्स भी लगा लूंगी। और ये जो ब्लू शर्ट वाले अंकल है ना, इनको देखो, ये तो मेन कैरेक्टर है हमारे वीडियो का, ठीक है ना। मेन कैरेक्टर का जो एंट्री होता है ना लास्ट में होता है। तो यहाँ मैं इयररिंग्स लगा रही थी, पहन रही थी, ढूंढते जा रही थी गाइस, क्योंकि इतना मुश्किल होता है ना फ्लाइट में हर चीजों को ढूंढना, इतनी सारी चीजें वो भी। तो यहाँ मैं इयररिंग्स डाल रही थी और बालों को सुलझा रही थी। और देखो अभी मैं घूंघट लगाने वाली हूँ ना, घूंघट लगाते लगाते उनको थोड़ा सा लग गया। ओके, तो बहुत स्वीट थे अंकल, बहुत स्माइल करके मुझे बोला कोई बात नहीं। बट अंकल यहाँ पे सोच रहे कि हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। तो वो ना अच्छे से देख रहे हैं देखो कैमरा की तरफ और मेरी तरफ की, क्या कर रही है ये लड़की। तो मैं तो यहाँ पे दुल्हन बन के पोज दे रही हूँ, मुझे बच्चा रो रहा था थोड़ा सा मेरे पीछे वाला बच्चा, तो मैं उसको भी थोड़ा सा चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, और वो चुप भी कर गया गाइस। और यहाँ पे देखो मेरा लुक गाइस, आप क्या देखोगे, फ्लाइट में हर कोई मुर के देख रहा था, और अभी इस अंकल को देखो। ओ भाई साहब, सो गाइस हर कोई मुझे इतना अच्छे से देख रहा था फ्लाइट में, तो मैं दिखने वाली तो लग रही हूँ अच्छी तो लगी नहीं होंगी। यहाँ पे ना मैं मुंबई एयरपोर्ट में उतरने के बाद वॉशरूम में गई थी, और वॉशरूम में वहाँ पे एक मैम थी जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया साड़ी पहनने में। सो देख सकते हो मैम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मेरा ना साड़ी बहुत खराब तरीके से मैं पहन के आई थी, मैम ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया ठीक करने में, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड स्माइल भी देखो कितनी ज्यादा प्यारी है। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय, बहुत अच्छा लगा। चलो तो अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा, अच्छा लगा, और आप मुझे थोड़ा सा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।